महोबा पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने कई मोबाइल चोरी की घटनाओं का खुलासा किया और चोरी करने वाली गैंग को पकड़कर चोरी किए गए मोबाइलों को भी बरामद किया है। इस संबंध में बिलवाई रेलवे क्रॉसिंग के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में मोबाइल चोरी से संबंधित 8 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनके कब्जे से 16 चोरी के एंड्रॉइड मोबाइल व 4 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 12 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी हुई है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामला पंजीकृत किया गया तथा कार्यवाही कर गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया है। ये हमारे शहर क्षेत्र में कई दिनों से दिन में शाम को दोपहर के समय में ये शातिर तरीके से बदमाश जो है चोरी कर रहे थे मोबाइलों की, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में हमारे शहर कोतवाल के द्वारा टीम गठित की गई थी, जो घिडारी फाटक पर चेकिंग के दौरान 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 अदद नाजायज तमंचा और 12 कारतूस बरामद किए गए और 17 अदद मोबाइल बरामद की गई है चोरी की, जो भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न तारीखों में चोरी के उसमें किए उनके द्वारा अपराध करके अर्जित किए गए थे। मुकदमे से संबंधित इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये ग्रुप सर कब से जो है एक्टिव था यहाँ? ये पिछले कई दिनों से बार बार चोरी की घटनाएँ को कारित कर रहे थे शातिर तरीके से। इसमें हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी, बार बार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश भी प्राप्त हो रहा था कि इनको उसको लगा करके गिरफ्तार किया जाए। हमारी टीम लगी हुई थी जिसमें सफलता मिली। गिरोह सक्रिय है और अन्य लोगों पर भी हम लोगों की अभी नज़र लगी हुई है, हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो पकड़े गए हैं इनसे काफ़ी चोरी की घटनाएँ का पर्दाफाश हुआ है और इनको उस तरीके से पकड़ कर।